क्रोध आए उस समय आधे किलोमीटर का दौड़ लगा ले आदमी, ये समझ लो क्रोध बिल्कुल ही खत्म हो जाता, ठंडा हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं वे ऐसा श्रम करो, परिश्रम करो, और वो परिश्रम करने से क्रोध वगैरह जो होते हैं वो ठंडे क्या कर जाते हैं। वो इतनी चली चबूतरे के ऊपर जा करके बैठी, वहां जा करके जिस समय बैठी तब उसको होश आया, मैंने क्या कर दिया, जाना कहाँ, जा कहाँ रही हूं, शाम को कहाँ जा करके रुकेंगे। वो सोचने लगी तो बड़ा गड़बड़ सड़बड़ हुआ, बिना सोच समझ के कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, बिना सोच समझ के मैं क्या कर गई, निकल गई। अब जल्दबाजी में करेंगे तो उसमें बाद में तो इंसान को पछताना ही पड़ता है। उतने देर को एक आदमी वहां पर आया, गर्मी लगी हुई थी, वो भी चबूतरे की तरफ बैठा, उसने देखा कोई अजनबी वहां पर स्त्री बैठी हुई है। आखिर उस सेठानी ने पूछा, भाई साहब आपका नाम क्या है? उनका, बहन जी मेरा नाम करोड़ीमल है। उन्होंने कहा, देखो कितना अच्छा नाम है, देखो करोड़ीमल कितना सुंदर नाम है, करोड़ीमल सुनते ही कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, करोड़ीमल। और एक मेरा पति है, उसको दुनिया में नाम ही नहीं मिला, इतने अच्छे अच्छे नाम है। उसको नाम सुनकर के बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी तसल्ली हुई। उसने फिर पूछा, क्या करते हो भाई साहब? उसने कहा, बहन जी करना क्या है, बस जिंदगी चल रही है धक्का मुक्की से, मैं कचरदास जी सेठ जी की दुकान में काम करता हूं, कचरादास। सेठानी कहने लगी, करोड़ीमल, अरे तू करोड़ीमल होकर के कचरादास की दुकान में काम करता, अरे अपना नाम का तो कोई ध्यान रख। करोड़ीमल इतना अच्छा नाम, और कचरादास के पास तू नौकरी करता। वो आदमी हंसने लगा, बहन जी नाम से होता क्या है, नाम तो माँ बाप पता नहीं कहाँ कहाँ से ला करके टेक देते हैं, लेकिन किस्मत तो अपनी चाहिए। नाम करोड़ीमल रखा, करोड़ क्या होता है आज तक मेरे को पता नहीं लगा, करोड़ पैसे मेरे पास नहीं है, नाम रखने से थोड़ी कुछ होता। और रही हमारे कचरदास सेठ, क्या उनका जीवन है, क्या परोपकारी है, क्या दानी है, क्या उनका चरित्र है, क्या उनकी सेवा है। और जिस समय कचरदास की वो जिस समय प्रशंसा करने लगा, सेठानी सोचने लगी, मेरे से गलती तो नहीं हुई, अरे हम तो नाम के पीछे पति से लड़ मर करके घर से निकले, अब ये कचरादास की इतनी प्रशंसा कर रहा। अब बात चली रही थी, एक और बहन आई, वो थोड़ी दूर पर वो बैठी। सेठानी ने पूछा, बहन जी तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। देखो कितना अच्छा नाम है, बढ़िया, लक्ष्मी बाई, बहुत ही अच्छा नाम रखा, बहुत सुंदर नाम है, क्या करती हो? उन्हें कहा, करना क्या है, लोगों का पीसना पीसती हूँ, उनका जो घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, तब जा करके मेरा गुजारा क्या करता है। अभी तेरा नाम लक्ष्मी बाई है? उन्हें कहा, सेठानी जी लक्ष्मी बाई होने से कोई लक्ष्मी बाई थोड़ी हो जाता है नाम रखने से। अब लक्ष्मीबाई रखने से मैं लक्ष्मीबाई थोड़ी हो जाती हूँ, कोई लक्ष्मी का अवतार थोड़ी हो जाती हूँ, यहां तो एक एक पैसे पैसे के लिए तरसना पड़ता। नाम से कुछ नहीं रखा बहन जी, इंसान की किस्मत क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए, इंसान का भाग्य होना चाहिए, नाम से क्या होता। सेठानी सोचने लगी, मेरा पति भी तो यही कहता था, लेकिन मेरे तो उस समय समझ में नहीं आता था कुछ भी, लेकिन ये आदमी भी ऐसा ही कहता है, और ये जो बहन वो भी ऐसा ही कहती है। बातचीत चली रही थी, वो जैसे निकल करके चले गए, एक आदमी और जाकर के वहां पर बैठा। उन्हें कहा, भाई साहब नाम क्या है तुम्हारा? वो कहता, मेरा धनपत नाम है, धनपति। उन्हें कहा, धनपति, देखो नाम बड़ा अच्छा, नाम इतना अच्छा सुंदर, क्या करते हो?
उनका क्या करना है, घास खोदते हैं उससे से अपना पेट पालन गुजारा होता है, कुछ है तो है नहीं। अब जो है वो घास खोदने का काम करके जो गुजारा क्या करता हूँ करता हूँ। बंदो दुनिया के अंदर नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान नाम के पीछे मरता है और काम की तरफ कोई ध्यान क्या करता देता नहीं। इंसान का नाम होता है तो काम से होता है, उसकी करनी से होता है, चरित्र से होता है, हमारे आचरण से होता है, हमारी पुण्यवाणी से नाम होता है, केवल नाम से तो कुछ भी क्या करता हूं। लेकिन समझ में नहीं आता, बहुत देर में समझ में आता। चलो ये बात तो हो गई। वो शाम का समय था, एक मुर्दा उधर से लेकर के जा रहे थे लोग, और मुर्दे को बड़ा भगा भगा के ले जा रहे थे, और बुड्ढे लोग बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे, वो थके हुए, वो चबूतरा देखा तो थोड़ा सा वहाँ पर, वो वृद्ध लोग जिस समय बैठ गए, भाई ये क्या हुआ, ऐसी क्या घटना घट गई, तो उन्होंने कहा बहन जी ये जो है अमर कुमार था उसकी मृत्यु हो गई। अमर कुमार मर गया, अमर तो उसको गए थे जो मरे ही नहीं कभी, वो अमर भी मर गया। वो कहने लगे बहन तू किस दुनिया की रहने वाली है, और किसी का नाम अमर रख देने से अमर थोड़ी हो जाता है। अरे भाई ये तो नाम, ये तो पहचान के लिए रखे जाते हैं, बुलाने के लिए रखे जाते हैं। अमर तो तभी कोई होगा जो अमर होने का काम क्या करेगा, कोई जिंदगी के अंदर करेगा। तुम भी क्या बात करती हो, क्या सोचती हो नाम के पीछे, और कोई नाम रखने से कोई अमर थोड़ी हो जाता है। वैसे कहते कहते जिस समय चले गए, वो बहन सोचने लगी, वो विचार करने लगी, लक्ष्मी पीसे पीसना, लक्ष्मी भाई तो पीसना पीसती, लक्ष्मी पीसे पीसना और धनपत खोदे घास। नाम तो धनपति है लेकिन काम क्या करता, घास खोदने का काम करता। लक्ष्मी पीसे पीसना धनपत खोदे घास, अमर मरनता मैं देखा, अमर कुमार को मरता हुआ मैंने देखा, अमर मरनता मैं देखा, धन धन मेरा ठन ठन पाल, इनसे तो मेरा ठन ठन पाल ही गाय अच्छा। उसके घर में न खाने की कमी है, न पहनने की कमी है, न दान पुण्य की कमी है, न सेवा की कमी है, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, और ये बढ़िया बढ़िया नाम जिनके हैं उससे तो अपना ठन ठन पाल ही गाय। चलो हम तो अपने ठन ठन पाल के पास ही गाय करते हैं। ओ भाई लौट गई, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं लौटते नहीं, वो सोचते हैं हमारा नाक कट जाएगा, लेकिन उसमें इतनी समझदारी तो थी, अगर नौ लेटती तो क्या होता, जीवन बर्बाद हो जाता, सारा जीवन खत्म हो जाता। वो कहते मेरा ठनठन पाल मेरे को मारे पीटे गाली दे घर से निकाले, चरण पकड़ करके क्षमा याचना करूंगी, लेकिन अपने ठनठन पाल को अब क्या करूंगी। वो वापिस चली गई, वो शेर शेर था, वो सोचने लगा वो भगवान गुस्से में गई है, जानबूझ के तो नहीं गई, और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर लेता है, क्रोध में तो कुछ भी कर लेता है, उसको गुस्सा बहुत आया, गुस्से में गई है, जिस समय गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो जरूर वापिस क्या कर जाएगी। वो बाहर बैठे बैठे देख रहा था, बाहर बैठे बैठे इंतजार कर रहा था, और ये सोच रही थी मारे पीटे गाली दे कुछ भी करे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल चुपचाप सहन करूंगी। लेकिन जिस समय सेठ ने देखा, उसने जय सेठानी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, आओ सेठानी हम तो तुम्हारा इंतजार क्या कर रहे थे। उसको अपरंपार खुशी हुई, अपरंपार खुशी हुई, आज उसने पहचाना, आज उसने जाना कि मेरा पति कितना योग्य है, कितना समझदार है और कितना अच्छा है, और वो मेरे जीवन को कितने सुख से भर सकता है, आज उसको पता लगा, आज से पहले उसको अनुभव क्या था। आदमी सीखता है तो ठोकर खाने के बाद क्या करता है सीखता है। अब ठोकर खाने के बाद तो सभी सीखते हैं,
लेकिन इंसान जो समझदार तो वो है जो ठोकर खाने से पहले क्या करे, सीख ले, वरना गड्ढे में गुरने के बाद तो पशु भी सोचता है इधर जाऊंगा तो गड्ढे में गिर जाऊंगा। लेकिन गड्ढा पहले ही है तो उससे बच करके चलने का प्रयत्न करना, समझदारी होना और समझ से चलना, ये इंसान का फर्ज क्या करता है होता है। इंसान बने तो हमारे जीवन के अंदर इंसानियत का चाहिए चाहिए, और जीवन के अंदर पुण्यवान ने सब कुछ दिया है तो हमारे को चाहिए कुछ न कुछ जीवन के अंदर क्या करें कर गुजरे। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो लखपति करोड़पति अरबपति, जिस समय देखते हैं बच्चे बड़े हो गए वो सोचते हैं चलो इनके लिए अलग अलग बंगले क्या कर देते हैं बना देते हैं। शादी हो जाती है, बहुओं से पूछते हैं बेटा अगर तुमने यहां रहना हो तो यहां रहो, अगर रहना हो अलग रहना हो तो तुम्हारे लिए बंगला क्या तैयार। कैसे माता पिता होते हैं, दिल में दर्द होता है लेकिन फिर भी सोचते हैं चलो भाई बच्चे सुखी रहें, और बच्चे सुखी रहें तो उसमें हमारे को सुखी क्या सुख क्या करेगा मिलेगा। अलग अलग अपने दो लड़के हैं, तीन लड़के हैं, चार लड़के हैं, उनको बराबर के बंगले बना देते हैं, दुकान बना देते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैरों के ऊपर खड़ा कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं और कुछ हिस्सा अपना भी क्या कर लेते हैं रख लेते हैं कि कल को कुछ भी नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, इसलिए एक हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ये उनकी समझदारी रहती। अब जिन माता पिताओं ने लड़कों को सब कुछ दिया, लड़कियों को देना था वो दे दिया, लड़कों को देना था वो दे दिया, जमीन का बंटवारा वगैरह कर दिया, बंगले का बंटवारा वगैरह कर दिया, अपना अपना हिस्सा सबको दिया, सबको बिल्कुल सेटल क्या कर दिया कर दिया। और ऐसे माता पिता भी बड़े भागशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं, उनसे क्या करते हैं मिलते हैं। और बहुत से लोग जिस समय उनकी मृत्यु वगैरह होने लगती है तो उनको रहता है अभी कौन कौन सा हमारे हिस्से में आएगा, कितना कितना हमारे हिस्से में आएगा। हम ऐसे परिवारों से, ऐसे भागशाली पुण्यशाली लोगों से हम ये आह्वान करते हैं, देखो प्रभु कृपा से तुम पुण्यवान थे, तुम्हारे माता पिता ने सब कुछ तुम्हारे को क्या कर दिया दे दिया। अगर ऐसे तुम्हारे माता पिता ने किया हुआ हो, ऐसे तुम्हारे को दे दिया हो, ऐसे तुम्हारे को पैरों पर खड़ा कर दिया हो, तो माता पिता अगर नहीं रहते हैं तो उनकी संपत्ति की तरफ आंख उठा करके क्या करो मत देखो। हम कहते हैं उसका माता पिता के नाम पर ट्रस्ट बना दो, चैरिटेबल ट्रस्ट बना दो माता पिता के नाम पर, और उनकी जो हिस्सा है उन्होंने जो रखा है उनके पास जो भी था वो सारा का सारा उस ट्रस्ट के अंदर क्या कर दो डाल दो, और तुम सारे के सारे ट्रस्टी बन जाओ। बेटा भी ट्रस्टी बन जाए, बहुएं भी ट्रस्टी बन जाए, पोते हो तो पोते भी ट्रस्टी बन जाए, और वो ट्रस्ट के अंदर डाल करके, फिक्स डिपोजिट के अंदर डाल करके उसमें से जो भी ब्याज का आएगा उसको दान पुण्य के अंदर क्या कर दो लगा दो। वो माता पिता की आत्मा कितनी खुश होगी, कितनी प्रसन्न होगी, वो जहां भी देवलोक के अंदर होंगे उनको ये जान करके कितनी खुशी होगी मेरे बेटों ने मेरे लिए हमारे लिए क्या कुछ क्या किया कर दिया। और उस संपत्ति के लिए जो लड़ाई होना है, झगड़ा होना है तो महीने करना है, वो जड़ मूल से क्या कर जाएगा कट जाएगा। तुम सब उनके जो बारिश हो जाओगे, उनके अधिकारी हो जाओगे क्योंकि ट्रस्टी है, और तुम भी जिंदगी भर दान पुण्य करते रहोगे और तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारे माता पिता का भी, उनकी आत्मा को भी शांति क्या करेगी। ऐसा करना चाहिए, ये बात उन परिवारों के अंदर पहुंचाना चाहिए कि अगर तुम भागशाली पुण्यशाली हो, प्रभु कृपा से तुम्हारे पास सब कुछ है तो माता पिता की संपत्ति का ट्रस्ट क्या कर दो बना दो। आज कितने जरूरतमंद है जिनको देना पड़ता है, सहयोग की जरूरत है, कितनी संस्थाएं चलती हैं, अगर ऐसा करते हैं, ऐसा भाव बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं तो परिवार कितना भागशाली पुण्यशाली क्या कर सकता है हो सकता है। हमारी बात को तो आप लोग ही सुन रहे हैं लेकिन आप लोगों का फर्ज है
आप लोगों के परिवार में, आप लोगों के रिश्तेदार में अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो उन लोगों को ऐसे क्या करो समझाओ, जिससे उनका भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण क्या कर जाए हो जाए, और माता पिता का आशीर्वाद उनको जन्म जन्म तक उनके सिर के ऊपर क्या करे बना रहे। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, कोई कमी तो है ही नहीं। अगर माता पिता की चीज का अगर ट्रस्ट बना देते उससे कितने लोगों का भला हो जाता है, और मालिक तुम सब हमेशा के लिए क्या करते हो बने रहते हो। अगर इन बातों के ऊपर थोड़ा सा प्रयोगात्मक रूप लाते हैं तो इसके बड़े अच्छे असर क्या करते हैं होते हैं।